हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका, मोदी डरा हुआ, शिवराज मामा मामा डरा हुआ। बेवकूफ सरकार है, बेवकूफ निकम्मी सरकार है मध्य प्रदेश। महंगाई महंगाई महंगाई, अरे तू कहां से आई? अरे इस महंगाई को देश की बजप्पा की सरकार है। अगर जब तुम महंगाई नहीं रोक सकते तो सरकार में रहने का कोई क्यों बैठी है? मंत्रालय में बैठने का क्या अधिकार है? भगाओ देश बचाओ। 2024 में ये मन की बात करते हैं ना, वो बंद हो जाएगा मन की बात। प्रधानमंत्री जी की मन की बात नहीं होगी। मैं तैयार हूँ। पूरे देश में ये किनारा चल 2024 चुनाव को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। वहीं कल स्मृति ईरानी वर्तमान की मौजूदा मंत्री हैं, उनसे आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने कॉन्क्लेव चल रहा था आज तक का, उस पर सवाल पूछा कि टमाटर महंगे हैं, क्या आपके किचन में भी इसको लेकर बात होती है क्या? स्मृति ईरानी तिलमिला जाती है और कहती है कि पर्सनल सवाल है, मुझसे मत पूछो, नहीं तो मैं भी पूछूंगी कि तिहाड़ जेल में कैसा लगा था। क्या महंगाई पे सवाल पर्सनल सवाल होता है क्या? देखिए, दिलकश जमाना है, मौसम सुहाना है, बजप्पा में उदासी है। दिलकश जमाना है, मौसम सुहाना है, बजप्पा में उदासी है। राहुल जी, ये पर्सनल सवाल कैसे हो गया उनका? स्मृति जी को ये पूछिए कि जब सिलेंडर था 1200 रुपये का, 410 रुपये का, तब ये सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में बैठी थी, क्या वो पर्सनल सवाल था? वो पर्सनल सवाल था? ये आज अगर एंकर ने पूछ लिया, गोदी मीडिया के किसी एंकर ने पूछ लिया कि टमाटर महंगा है, तो टमाटर महंगा है, इसमें सच्चाई है। 300 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, उन्होंने कहा कि 300 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, अदरक 400 रुपये मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुकावट है ही नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तूने ये क्वेश्चन कर लेती, पर्सनल कहाँ से हो गया? लेकिन टमाटर के महंगाई, ये सुनिए, पर्सनल नहीं, अगर तो इनसे कोई क्वेश्चन करे तो पर्सनल हो गया। और ये जब सरकार कांग्रेस की थी, सिलेंडर थी, कई चीज़ों के दाम बढ़ते थे, इनके पर्सनल ही थे, बड़ी शोर मचाती थी। तो ये क्या हो गया भाई? तो स्मृति ईरानी जो करेंगे सब सही होगा? वो सब गलत है, जो भी आज तक उन्होंने करा गलत करा। बाल विकास मंत्री जरूर हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, 2024 में ये मन की बात करते हैं ना, वो बंद हो जाएगा मन की बात। प्रधानमंत्री जी की मन की बात नहीं होगी, क्योंकि ये नहीं आएंगे, नहीं प्रधानमंत्री ये बनेंगे नहीं। राहुल जाएंगे, वो काम की बात करेंगे, ये अपने मन की बात करते थे, राहुल जी अपने देश के लिए काम की बात करेंगे। तो ये अब नहीं आने वाले, बस ना जितना इन्होंने ढिंढोरा पीटना है, चाहे कुछ भी लें, मनादी कर लें, ढिंढोरा पीट लें, अफवाहें फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, लेकिन 24 में देश की जनता ने पूरी तरह से ठान लिया है। अच्छा, कि नहीं हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ काम, मैं बता रहा हूँ, हुआ ही नहीं भाई साहब, कोई काम हुआ ही नहीं 9 साल में। मैं कह रहा हूँ 9 साल बीत गए, लोग इतने आंसू रो रहे हैं, लोग तो इंतजार कर रहे हैं 24 आए और उनको भगाएं। बजप्पा भगाओ देश बचाओ, भगाओ देश बचाओ, लोग ये सोच रहे हैं 24 के लिए। सवाल देखिए ये उठ जाता है कि जब वर्तमान की जो भी सरकार हो, यूपीए की हो या फिर एनडीए की, महंगाई के मुद्दे पर सरकार ही जवाब देगी क्योंकि सत्ता में है जी। तो किसी केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछना, उसको बार बार ये कह के डिनाय कर देना कि तो पर्सनल सवाल है जी, क्या लगता है कि वो लोग महंगाई को लेकर गंभीर है कुछ? ऐसा है, अगर वो पर्सनल सवाल कह रही है तो मंत्रालय से रिजाइन कर दे। मंत्रालय में क्यों बैठी है? मंत्रालय में बैठने का क्या अधिकार है? अगर एक एंकर ने पूछ लिया, भी बताइए टमाटर 300 रुपये किलो, वो तो सच बोल ही रहा है ना, वैसे तो गोदी मीडिया में वो है ही है, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि गोदी मीडिया भी इस तरह को करे कि चीज़ों को बताए कि महंगाई है तो है। असल में उनको नहीं पता चला, वो कह रहे हैं मैं जिससे बिहाई हूँ उनका जो है खेती होता है। किनका? उनके शोहर। उनके शोहर का? वो तो मुझे तो पता लगा कि वो सहेली के शोहर थे, वो सहेली के शोर थे, और वो कहते हैं वीडियो नहीं करे, सहेली के शोर थे। और आजकल तो पूरे देश में नारा लगा, पति चोर पति चोर पति चोर, पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है, पति चोर पति चोर पति चोर, यही चल रहा नारा। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, देखिए नहीं पर्सनल लाइफ आ गई ये भी, ये क्या बात कर रहे हो? तो फिर ये टमाटर भी पर्सनल लाइफ है क्या? टमाटर पर्सनल लाइफ है? टमाटर आपका, अदरक और जीरा और आपके नींबू, दालें, गैस सिलेंडर, ये एक देखो मैं आपको चीज़ें गिनाता हूँ। देखिए आज गरीब आदमी गैस सिलेंडर से परेशान, तेल से परेशान, आटा महंगा, दूध महंगा, तेल महंगा, महंगाई 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 महंगाई। तू कहाँ से आई? बजप्पा लाई। महंगाई महंगाई महंगाई,
देश की भारतीय जनता पार्टी लाई इस महंगाई को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये जो ट्रैक चल रहा है इसको चलने दीजिए, सुन लीजिए पहले। ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी लाई। आज देश 130 करोड़ लोग परेशान है इस महंगाई से, परेशान है इस महंगाई से। कोई रोकने वाला ही नहीं है भाई, कहीं तो रोको। क्या है किसको? अच्छा, टमाटर पे आप कुछ नहीं लगा सकते, सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब सुन तो लो, बताइए। 9 साल बेमिसाल, आपने एक लाइन सुनिए, सुनिए, जनता हो गई खुशहाल। ऐसा है, सुनिए, आप ना एक ही ट्रैक पे चलते हो, आपको मैंने कई बार देखा है। 9 साल बेमिसाल, इसको बदलो यार, बदलो इस। सुनो, आप सुनिए, आप अच्छे माला माल, अरे आप अच्छे पत्रकार हो, इस बेमिसाल जो कह रहे हो ना आप 9 साल, इस लाइन को बदलो आप। मैं कितने दिन से सोच रहा हूँ, आपने एक ही लाइन ट्रैक बदली है। जैसे वो सांप की सीढ़ी नहीं होती, सांप सीढ़ी है ना, सांप सीढ़ी होती है। ये पहले क्या है, ये सांप लोग हैं, सीढ़ी पर आपको चढ़ाएंगे, पहले सीढ़ी चढ़ा देंगे। 99 आता है ना लूडो में, 99 सांप डसता है दाम नीचे आ रहेगा, तो ये लोग देश को नीचे ले गया। सुना है, लूडो मध्य प्रदेश में धुआंधार रैली चल रही है अमित शाह की। अच्छा, देखिए अब क्या वहाँ पोजीशन है, देखा ना क्या 22 तारीख की सागर में रैली देखी। हाँ, तो पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस में आ गया। इंडिया जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सारे ये तो उन 24 में सारे लोग, पता क्या, देखिए आप, अरे हाँ मेरी बात सुन लो, 24 में ये सारे लोग, जो कांग्रेस की सरकार बनेगी ना, तो ये सब लोग माफी मांगेंगे, क्योंकि ये माफी मांगने वाले लोग हैं। भाजपा सुन लो पहले मेरी बात, ट्रैक चेंज मत करो, पूरी बात सुनो हमारी, मादा रखो बात सुनने का। 24 में ये माफी मांगने वालों की सरकार है। अंग्रेजों के टाइम ये माफी मांगने थे, जब 24 में कांग्रेस की सरकार आएगी ना, देखना यही कई मंत्री लोगों से माफी मांगते हुए नजर आएंगे आपको, देख लेना मेरी बात। अभी तो ये चल रहा है खरगे साहब से बोला जा रहा माफी मांग। अरे खरगे साहब ने जो बोला है ना, तेल मिलाया, घबराए हुए हैं ये खरगे साहब, जो भाषण देते हैं ना घबराए हुए हैं, घबराए हुए कि तू खरगे साहब, अरे उनकी जो आवाज, उनके जो प्रोग्राम है, हिल गई है भाजपा शासन, हिल गया। खड़गे साहब ने कहा ना, सुनो पहले, सुनो, आप पहले सुनिए। खड़गे साहब ने भी बयान दिया था, हमारे आदरणीय नेता देश के, कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों पे पेंट करके हरी झंडी दिखाते रहे, ये वो भाजपा है, समझ गए, ये वो भाजपा है। अरे खड़गे साहब से इतना तिल मिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, डर गए, डर गए, डर, ओहो खड़गे, करोड़ों लाखों लोग आ रहे रैली में, लाखों लोग, जहां राहुल जी खड़गे जी जाते लाखों 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 लोग आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश देख रहा है उनको, लाखों लोगों की रैली है, लाखों लोगों की रैली, और इनकी रैली में कुर्सियां खाली, टेंट खाली, सुन लीजिए, इनकी रैली में कुर्सियां खाली, टेंट खाली, मुद्दा ही नहीं कोई। मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में प्रियंका गांधी जी पे FIR कराई गई है, 71 जगह पे, उस पर क्या कहना है आपका? ये देखिए, सुनिए यार, किससे FIR कर, किसको डरा रहे हैं ये? प्रियंका जी ने दिल्ली में भाषण दिया था ना, लगाओ FIR। अरे तानाशाही सरकार है, बेवकूफ सरकार है, बेवकूफ निकम्मी सरकार है मध्य प्रदेश की। 41 FIR से क्या होता है यार, वो 25 परिवार की है प्रियंका जी। अरे राजीव गांधी जी जो देश के लिए शहीद हुए, उनकी सुपुत्री है सोनिया गांधी जी की सुपुत्री है, इंदिरा गांधी जी की पोती है, इंदिरा गांधी जी की पोती, याद रखो, किसको डरा रहे हो? वो इंदिरा गांधी जी की पोती है, नाम है श्रीमती प्रियंका गांधी जी वाड्रा, याद रखना, उसको नहीं डरा सकते। मोदी डरा हुआ, शिवराज मामा मामा डरा हुआ है, घबरा गया। परिवारवाद का जो आरोप लगता है, परिवारवाद वाले तो यही, आप लोगों से एक लाइन कर ली, परिवारवाद इन्हीं के, सब भाजपा के हैं, वही परिवार नहीं, वो कुछ नहीं, ये घबरा गए हैं प्रियंका गांधी से। बीजेपी की लंका, बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका, बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। ये है कांग्रेस, ये है प्रियंका, सरकार बनने जा रही है मोहतरम, सरकार, सरकार बनेगी कांग्रेस की। 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, महंगाई कम होगी, अत्याचार कम होंगे, न्याय मिलेगा, भय से दूर होंगे लोग, जो ये डरा रहे हैं नफरत से, भय से दूर होंगे ये लोग, भय नहीं होगा उस प्रदेश में, समझ गए? तो इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अमित शाह नियुक्ति पत्र बांट रहे युवाओं को, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। सुनिए गाना, किशोर कुमार जी का गाना आपने सुना, हम परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो राहुल जी का सलाम, हवाओं पे लिख दो इंडिया जिंदाबाद। चलो, धन्यवाद।